अब आपके हिसाब से डोरबेल काम करेगी? अगर आप चाहोगे डोरबेल बजेगी, और अगर आप नहीं चाहोगे तो डोरबेल नहीं बजेगी। भले ही स्विच को कितना भी दबाते रहो, आपके चाहने पे ही डोरबेल बजने वाली है। ये डोरबेल है, इससे आपको दो तारें बाहर निकली दिखाई देगी, उसमें दो बैटरी डलती है। हम पहले बैटरी को डाल लेते हैं। ये बैटरी वाली डोरबेल है, ये ऐसे बज रही है। इसके साथ हमने ली है इस टाइप की टीवी। ये लगाना अच्छी बात है अगर आप लगाते हो तो वायरिंग में। जब भी हमको डोरबेल को खोलना हो आसानी से खोल लेंगे, टेप का झंझट ख़त्म हो जाता है इसमें। एक वायर इधर, और एक वायर इधर। अब ये डोरबेल है, ये घर के अंदर में लगी रहती है। आप लोगों को के घर में लगी है, आप देख रहे होगे। अब इससे वायर जाती है घर के बाहर मेन गेट पे, दरवाजे पे। और ये वाली वायर यहाँ पे देखिए। अब ये बेल से दो वायरें स्विच में जाएगी जो दरवाजे पे लगा रहता है हमारा स्विच बॉक्स के अंदर। वायरें ऐसे गई, और आप देखोगे दो पॉइंट रहते हैं स्विच के। एक पॉइंट पे ये वाली वायर को टाइट करेंगे, और ये वाले पॉइंट पे ये वाली वायर को टाइट करेंगे। और ये स्विच बॉक्स हो गया बंद। अब इस बेल को कोई भी आएगा वो बजा के चला जाएगा। ये अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमको अगर चाहिए कि डिस्टर्ब कोई भी ना करे, तब भी ये बेल को कोई भी बजा देगा, हमको डिस्टर्बेशन होता। कई टाइम ऐसे होते कि हम कोई डिस्टर्बेशन नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में आप ये अप्लाई लीजिए। अब वो वायरिंग कैसे करनी है, आप वायर ले लीजिए। आपको घंटी के पास में करना, बार स्विच के पास में कुछ भी नहीं करना है। इस टाइप की वायर लेनी है आपको, दो वायर घंटी के पास में से। अब कोई भी एक वायर को आप निकाल लीजिए, जैसे हम ये वाली वायर को यहाँ से खोल लेते हैं। इसकी जगह आप इसमें से रेड वायर को यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे, और ब्लैक वायर को इसी वायर के साथ में जोड़ दीजिए। ये हो गया ऐसे, और इसको टेप लगा दीजिए ऐसे, अच्छी से टेप लगाइए आप। और अब ये जो वायर है आप देख रहे हो, इसकी दो वायर हो गई है। ये घंटी के पास में भी लगा सकते हो, घंटी की दूर में भी। अगर बीच में गैप बनता है वहाँ आप लगा सकते हो उसको। साथ में आपको एक इस टाइप का बेड स्विच लेना है। ये बेड स्विच होता है, बंद होता है।
इसको आप खोल लीजिए। इसमें भी आपको दो पॉइंट मिलेंगे। इसको खोलने के बाद आप रेड वायर को ये वाले पॉइंट पे कस दीजिए, टाइट कर दीजिए। या कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कलर देख के लगाना है, कोई भी वायर दोनों में से लगा सकते हो। और ये ब्लैक वायर को आप यहाँ पे लगा दीजिए। अभी ये हो गए कनेक्शन इसके। अब इसको आपको दोबारा से जैसे था वैसे ही लगा देने हैं। ये लगाने के बाद आपको ये इतनी हाइट पे लगाना है कि आपका हाथ आसानी से पहुंच जाए वहाँ तक। ज़्यादा हाइट पे अगर बैल के पास में लगाओगे तो आपको दिक्कत होगी, आप बंद नहीं कर पाओगे। और ये आपको अपनी हाइट के हिसाब से लगा दीजिए। अब क्या होगा, जैसे कोई बाहर से अगर ये स्विच ऑन है, बेड स्विच ऑन है, तब ये घंटी काम कर रही है। अभी कोई भी घर के अगर दरवाजे पे आता है, घंटी को बजाता है तो बज रही है। आपको लगे कि अभी हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे, तब आप इसको स्विच को ऑफ करके छोड़ दीजिए। कोई भी आएगा बजाते रहेगा, आपकी घंटी नहीं बजेगी, दरवाजे की घंटी बिल्कुल भी नहीं बजने वाली। ये आपके इशारे पे काम करेगी। अभी आप चाहोगे तभी घंटी बजेगी, जब भी आप स्विच को ऑन करके छोड़ोगे तभी घंटी बजेगी। अगर स्विच ऑफ रहता है तब घंटी काम नहीं करेगी। अब ये घंटी आपके मुताबिक काम करने वाली है। आप चाहोगे तभी बजेगी, आप चाहोगे तब बंद रहेगी। ये इसका मास्टर ऑफ स्विच है बैल का। अगर आपके घर में खाली पॉइंट है बोर्ड में अंदर में और वहाँ से ये वायर गई है तो वहाँ पे आप इसको लगवा सकते हो, अन्यथा ऐसे लगा सकते हो आप। बहुत आसान तरीका है ये बैल आपके मुताबिक काम करने वाली है।